अरे हमारे खेत में पानी कहते हैं हमारे खेत में काहे पानी तो बांधा था एकदम से काहे हम अपन खेत ना भरब तुम्हारे खेत में टिक गया हमारे बेटे मन तमार काहे बांधा था तू हमार जब भर जाए तब पानी आगे बढ़े समझ में आई ऐसा बात बा तू एक रुपया में चवन्नी है अठन्नी में अठन्नी तो भाई बटे समझा ना हमार खेत छुआ रो बता देते ये मैं ये यहाँ खेत ये हमार हो वो तो हार हो तू हवा खा बांध रहा है एकदम से तू क्या बताई का बता बता तू कैसे कैसे चला जाता है लंठैया मतलब बता दे तू तो क्या हम लंठैया ना करा लंठ रुक वहाँ बताओ का रुक तो हाँ बताओ थे 112 112 हेलो साहेब अरे हम कुशल बोल थे मझिगवा से अरे हाँ अपक क्षेत्र का एरिया हो अरे हमारे जी ने भाई करा है हमके मारा था जाने जमीनी विवाद में जल्दी आओ तुझे हम बटे अरे बहुत बवाल हो गया बटे जल्दी आओ जान ल इना एक पर हम एफ आई आर लिखा हुआ था ए आर रही है हम है रहब अरे हमारे जमीन में जो बटे वो अपन गिरोह बनाए रहा है एकदम से एक लड़के तल परेशान करे हैं हमें छाती में कुल नाच रहा है जान ल हाँ हाँ आओ 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 तो हम बताइए भैया तू हम हाँ क्या हो रहा है साहब ये हमारे खेते में जो हम बाटे मेरबंदी करते हैं हमारा खेत खराब करते हैं देख रहे हमारा खेत को सुखान जाता है मेरबंदी नहीं जैसे हमारा खेत हो जाए पानी भर जाए तब हम खोलब तब जाए इनके खेते में पानी हाँ तो बताओ क्या मैटर है क्यों बुलाया मुझे ये हमार जमीन हो यह हमार जमीन हो ये जबरदस्ती जम बटे मेड़ बाधत है क्यों जी ऐसा क्यों कर रहे हो साहब जैसे हमार खेत बाबू नहीं ठीक है यहाँ इनका खेत है पहले इनका जब खेत हो जाएगा तभी ना आपको करेंगे यही साल गर्मी में लाठा गिरवाऊ कहाँ लाठा गिरे बतू यहाँ लाठा गिरे वहाँ लाठा गिरे सिकंद लाठी गिरे हमार हो हमार हमार बाऊ लिखा रहे ऐसा हमारा बाऊ भी ब्याह करे सुनो 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 हम इनको समझा दे रहे हैं अब ऐसा नहीं करेंगे देखिए भाई साहब आइए इनका खेत पहले जब हो जाएगा जी तब अपना करिएगा ठीक है ठीक है और ये हमको फालतू में फोन करके परेशान कर रहे हैं बताइए हम कहाँ गए थे वहाँ डेड बॉडी देखना था हमको अब ठीक है मैं तुमको कार्ड दे रहा हूँ कोई भी दिक्कत हो तो इस पर फोन करना ठीक है साहब हम ये लो कार्ड मेरा कोई भी दिक्कत हो मुझे फोन करो सारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा ठीक है कोई भी दिक्कत हो ए टू जेड और परेशान मत करो इसको इसका जब हो जाएगा तो तुम भी लगा लेना पानी इनसे हम छोट है हाँ इनसे का बार बार लाठी ने उठा मारे ना हमके मारा भी है मारे जाता है लेकिन मार नहीं पाए तब से आप आई गए धमकी तो नहीं दिया है ना धमकी पटकत रह जाए धमकी दिया होता तो 7 साल की सजा हो जाती और मार देता तो जानते हो आजीवन कारावास ठीक है साहब फोन करना ठीक है साहब फोन कहाँ देखबा तू राते जब बा छुटका भईवा पोखते पोखत बा जब से पूरी खाए के आए बाटे अरे साहब तो कह रहे हैं कि कौनो दिक्कत होए डॉक्टर इलाज भाई ये पड़ता कम से कम साहब लगे फोन लगाई शायद कौनो इलाज ही हो जाए है तो हम फोन करे बदे देखी तो अरे यार बैलेंस ही नहीं बा चलिए मिस कॉल मारिए साहब फोन कह दें ले तब से खेत निगाह ले ही तब दिक्कत होए डॉक्टर तो लगा कर ही अरे हमार फोन बजे तो सब सुना के साहेब अरे हेलो साहब हम कुशल बोलते हैं कौन कुशल अरे साहब 5 दिन पहले हमारे का गुंगा मार रहे हैं याद बा हाँ हाँ याद आया बोलो कौन नहीं हमें भुलाए गए साहब ऐसा बात बाटे कल हमार छोट कल हमार छोटका भैया अगर हा गाँव में तो नहीं पूरी खाए तो अब तेरा ही पूरी गवा खाए कल रात से पोकत आ उटट्टी उल्टी करता बा एकदम लाचार बिस्तरा पे उल्टी करता पूरा बिस्तरा खराब कुल कुल कर घर गंदा हुआ है बस साहेब अबे ये बता मैं पुलिस ऑफिसर हूँ कि डॉक्टर हूँ ये बता पहले
साहब आप पुलिस हैं, डॉक्टर तो आप है नहीं? कंफर्म बता कि मैं क्या हूँ। आप पुलिस हैं? इसका कंफर्म कंफर्म बा आप पुलिस हैं। तो फिर तूने मेरे पास फोन क्यों किया है? हॉस्पिटल में फोन करना। अरे साहब आप कह रहे हैं ना कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमके फोन करो, तब कहा फोन लगाई दे। अबे मैं कोई जैसे झगड़ा उगड़ा हुआ, जमीनी विवाद है, उसके लिए मेरे पास फोन करना। अरे अरे साहब वो कल रात से बनाए पोखर में जा रहे उठ तो हम लगा आपके लगा फोन लगाई दी। अब कहीं फंसे रहना तो मेरे पास कॉल करना, वैसे कॉल मत करना। ठीक, मेरे पास बहुत काम रहते हैं। ठीक बाको फोन परेशान करके रख देते हो, डांटते हैं नीता। चलो तो खेत देख ले। अरे भाई देर हो जाए का। अरे दादा हाँ, गाड़ी नहीं मिलता, निनवार जाए के बा। कितना दूर बा? अरे पड़े 8-9 किलोमीटर करीब। 8-9 किलोमीटर? हाँ। अच्छा चलो साहब लगे मिसकाल मारी, वो दिन कह रहे कहीं फंसना तो फोन करना। अरे बैलेंस नहीं रहे सरवा के दादा, हम चल थे यहाँ ताला की आनंद मिसकाल मार दे तब से। अरे यार कोनो गाड़ी मोटर नहीं आवता। हेलो साहब, मैं कुशल बोल रहा हूँ। याद है उस दिन आपको फोन किया था? क्या हो गया, तुम्हारा भाई खाना नहीं खा रहा है क्या? नहीं सर, वो सब कुछ खा पी रहा है, वो बात नहीं है। मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि मैं मार्केट गया था। क्या 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 हो गया, तुम्हारी लड़ाई हो गई किसी से? नहीं सर, लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, सारा मामला एकदम सलट गया बटा। ऐसा बात बना, हम मार्केट निकला रहे और निकलते निकलते अंधियार हो गया। दादा से पूछा गाड़ी जो है था, गाड़ी आवार नहीं, गाड़ी मिलते नहीं बटे। हम कहा हमारे घर तक हमको छोड़ दे। अबे बस चल रही है ना, उनसे क्यों नहीं चले जाते? अरे सर आप बोले रहेंगे अगर कहीं फंसना तो फोन करना, बस भी नहीं मिलते बटे। सुनो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझ लिया? मैं तो अंदर कर दूंगा। सर पहले गेट तो खोलेंगे तब ना अंदर डालेंगे। सर घर घर छोड़ दे सर, आप बोले थे कि फसले पे फोन करना। सुनो बेटा ध्यान से सुनना, हाँ। आज के बाद तुम इस नंबर पे फोन मत करना, समझ गया? सर आप गुस्सा हो गए। सर गुस्सा मत होइए सर, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मैं चला जाऊंगा, पैदल चला जाऊंगा। सर गुस्सा क्या हो रहा है साहब आप? चलो फोन काट दे।